वेलकम बैक टू माय चैनल फन विद कुकिंग। आज मैं विंटर वेजिटेबल्स के साथ मछली का करी बनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा। इसको बनाने के लिए मैं छोटा वाला मछली लिया, इसको ऑलरेडी नमक और हल्दी लगा के फ्राई करके रखी हूँ। वेजिटेबल्स में मैंने बैंगन लिया, क्यूब शेप में काट लिया, दो आलू लिया, इसे भी काट लेती हूँ, और सिम के फली लिया, दोनों साइड काट के रखी हूँ, और इसमें ऑनियन स्टिक है या प्याज कली जिसे कहा जाता है, धनिया पत्ता, और यहाँ प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च और थोड़ा सा टमाटो का पेस्ट बना के रखी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस कढ़ाई में मैं मछली को फ्राई किया था उसी को ही ले लिया, तेल भी वही है। एक चम्मच जीरा डाल देती हूँ। आलू को मैं लंबाई में काट लिया, आलू डाल देती हूँ और इसे फ्राई कर लेती हूँ। पहले आलू मेरा फ्राई हो गया है, जो प्याज लहसुन अदरक टमाटो और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखी थी उसको डाल दिया। साथ में डाल देती हूँ हल्दी पाउडर और दो चम्मच सब्जी मसाला पाउडर। मसाला को फ्राई कर लेती हूँ। मसाला मेरा फ्राई हो चुका है। अब बैंगन डाल देती हूँ और बाकी जो दो सब्जी है सिमफली और अनियन की, इसे भी डाल देती हूँ। इसको भी मसाला के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा सा पानी डालती हूँ और सब्जी को अच्छी तरह से चला लेती हूँ। अब फ्लेम को लो करके कढ़ाई को कवर कर देती हूँ और इसे अपने मॉइस्चर में एक दो मिनट पकने देती हूँ। एक दो मिनट हो गया है, लीड खोल के चेक कर लेती हूँ। सब्जी काफ़ी रिड्यूस हो गया है, मसाला भी अच्छी तरह से मिक्स्ड हो गया है सब्जी के साथ। नमक डाल देती हूँ, थोड़ा सा धनिया पत्ता, टेस्ट के लिए थोड़ा सा चीनी, और एक बार मिक्स कर लेती हूँ। अब पानी डाल देती हूँ ग्रेवी के लिए और सब्जी कुक होने के लिए। मीडियम फ्लेम में कढ़ाई को कवर करके सब्जी को पका लेती हूँ। सब्जी में उबाल आ गया है, एक बार चेक कर लेती हूँ सब्जी कुक हुआ है या नहीं। सब्जी मेरा ऑलमोस्ट कुक हो गया है। इस स्टेज में जो फ्राई किया हुआ मछली था उसे डाल देती हूँ। कढ़ाई को और एक बार कवर कर देती हूँ और दो तीन मिनट इसे कुक होने देती हूँ। दो तीन मिनट हो गया है, अब लिड खोल के मछली का एक बार पलट देती हूँ जिससे मछली का दोनों साइड में अच्छी तरह से ग्रेवी अंदर जा पाए। प्लेन चावल के साथ ये वाली मछली करी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो और एक बार कवर कर देती हूँ कढ़ाई को और दो तीन मिनट और एक बार पका लेती हूँ। बस मेरा ये फिश करी तैयार है। गैस बंद करके इसे थोड़ी देर के लिए स्टैंडिंग टाइम देती हूँ, उसके बाद सर्व करती हूँ। सब्जी के साथ फिश करी बन के मेरा तैयार है। रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा। थैंक्स फ्रेंड वीडियो देखने के लिए। होममेड सिंपल रेसिपी मैं अपलोड करती हूँ। पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा। आज यहाँ तक ही, मिलते हैं कोई और एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।